other song, right? मैं कुछ खास बात करूंगा आज आप लोगों के साथ, बेशक आप थोड़े हैं, मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूं। सभी संतों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों की तो मैं बात नहीं करता, इस शरीर को, मानव शरीर को सबसे उत्तम कहा है। किसी ने इसको कहा, जो जो सूफी संत थे उन्होंने कहा अशरफ मखलूकात है, अशरफ मखलूकात होती जो सबसे उत्तम हो, सबसे बड़ी हो। और किसी संत ने इसको कहा कि ये नर नारायणी देह है, नर नारायण इसमें नारायण रहता है, ये कहा। और कुछ संतों ने कहा जिस द टॉप ऑफ द क्रिएशन, ये क्रिएशन से सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, ये मेरा इसके ताल देना आपने इस मशीन में डालोगे, फिर बोलता हूँ नहीं डालता। मुझे डिस्टर्ब कर दिया उसने, मैं अभी क्या करना, मांगे हुए कान है ना मेरे अपने नहीं। आप अगर ये बात कही गई है कि ये नर नारायणी देह है, अशरफ मखलूकात है, और कबीर साहब ने इसको महल कहा, ये महल है, और फिर कहा कि इसमें जो रहने वाला है उसको पहचानो, ये उन संतों ने कहा। ये कब कहा? ये कलयुग के संतों ने कहा, ये द्वापर में किसी ने नहीं कहा, त्रेता में किसी ने नहीं कहा, सतयुग में किसी ने नहीं कहा। हमारे शरीर के 18 केंद्र हैं, हमारा ये जो ये हमारा चोला जो है ये 5 तत्व का बना हुआ है, 3 इसमें गुण है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, और 4 इसमें अवगुण भी हैं, जिसको अवगुण भी लोग कहते हैं, या कभी बुरा भी कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी है, फिर मन है, चित्त है, बुद्ध है, और उसके ऊपर अहंकार है, अहंकार भी हमारा रूप है, ये ऐसा कहा गया। ऋषियों ने, मेरा अपना ऐसा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ऋषि लोग द्वापर त्रेता में, सतयुग की बात नहीं मैं करता, वो उन्होंने जो अभ्यास किया वो सुप्त शब्द योग के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने किसी ने मूलाधार के ऊपर बैठकर अभ्यास किया, किसी ने इंद्रिय के स्थान पर बैठकर ध्यान किया, किसी ने नाभि के स्थान पर बैठकर ध्यान किया, किसी ने हृदय के दिल पर यहाँ पर ध्यान किया, और संतों ने केवल यहाँ पहले पहुँचे और फिर यहाँ पहुँचे, संत इससे ऊपर आए। जिन्होंने पृथ्वी के स्थान पर बैठकर ध्यान किया, जब उस स्वयं का जो शब्द सुना जो कबीर साहब ने कहा है, वो जमीन के नीचे कई कई महीने दबे रहते थे, भोरा रहते, भौरे में बढ़ जाते थे, उनको कोई तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि उन्होंने जमीन की ताकत को अपने कब्जे में कर लिया था। और उसके बाद जो पानी का जो इंद्रिय के केंद्र पर जिन्होंने अभ्यास किया, वो पानी पर चल लेते थे, पानी पर चल जाते थे, ये मेरा अपना अनुभव है कि ऐसा होता रहा होगा। और जो अग्नि के स्थान पर केंद्र पर यहाँ जिन्होंने अभ्यास किया, अपना सारा जीवन गुजार दिया, वो अग्नि में बैठ जाते थे, उनको कुछ नहीं होता था। और होलिका, जो होलिका थी हिरण्यकश्यप की बहन, वो इसी स्थान का अभ्यास करती थी, लेकिन क्योंकि उनका जो भांजा था वो बहुत ऊँचा था, इसलिए उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं कर सका। और जो या हवा या हृदय पर बैठकर अभ्यास करते थे, वो हवा में उड़ जाते थे, आंख बंद की चलो कहीं के कहीं पहुंच गए। गुरु नानक साहब के बारे में मैं कह सकता हूं कि गुरु नानक जी जहाँ आँख बंद कर
कितनी कितनी दूर पड़ गए, कोई गाड़ी नहीं होती थी, कोई एरोप्लेन नहीं होता था, कोई कार नहीं होती थी, लेकिन कहाँ मक्का मदीना वहाँ वो पहुँचे। चार उन्होंने अदासियन की देश में चारों तरफ की उन्होंने सैर की, हर जगह पर वो गए। कैसे पहुँचे, छोटी सी उम्र में कैसे वो पहुँचे होंगे, मैं ऐसा अनुमान करता हूँ कि उनके उनमें ताकत थी, उन्होंने अपने प्राण को कंट्रोल किया हुआ था, आंख बंद करते थे, प्राण कंट्रोल किया और वो हवा में चले जाते थे, ऐसा मेरा ख्याल है। तो जिन्होंने यहाँ आकर शब्द का अभ्यास किया वो संत आए थे। संतों ने सोचा कि ये नीचे वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें पार नहीं करेंगी, ये हमें पार नहीं कर सकती, ये हमें दुनिया की शोहरत देगी। कोई आग का तपन कर रहा है, कोई ज़मीन में दब रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे करते हैं ना लोग, तो इसलिए ये सारी चीज़ें द्वापर त्रेता की थी। सतयुग में तो ये जो हमारा कल युग है ये कली का युग है, मशीन का युग है, जहाँ हर चीज़ बहुत जल्दी होती है। तो संतों ने इसकी खोज की कि असल में हम हैं क्या, क्या हम इन क्षेत्र केंद्रों पर अभ्यास करने से क्या हम आवागमन से निकल जाएंगे? नहीं, क्योंकि ये स्थूल का, ये स्थूल शरीर के काम है, ये हमारा स्थूल शरीर है, इसमें छह केंद्र हैं, ये मूलाधार हुआ, इंद्रिय हुआ, नाभि हुआ, हृदय हुआ, कंठ हुआ और ये तीसरा तिल हुआ, ये हमारा स्थूल शरीर है। इसके बाद फिर सूक्ष्म शरीर है हमारा मन के, यहाँ से लेकर जहाँ तक छह केंद्र और हैं, यहाँ से लेकर जहाँ छह केंद्र हैं और फिर यहाँ से लेकर ऊपर छह केंद्र हैं, तो 18 केंद्र हैं हमारे शरीर में। इसलिए मैंने कई ये जो हमारे विद्वान हैं उनको पूछा कि भाई गीता के 18 अध्याय क्यों हैं, ये तो बताओ। बाकी 18 अध्याय हैं, भगवान कृष्ण ने 18 दिन युद्ध चला और 18 अध्याय लिख दिए, मैंने कहा मैं नहीं मानता। 18 अध्याय का एक है कर्म क्षेत्र, ये हमारा कर्म क्षेत्र है, ये हमारा कर्म क्षेत्र, ये ज्ञान क्षेत्र है और ये भक्ति का क्षेत्र है, ये ऊपर वाला। इसलिए तीन तरह का ज्ञान हमारे गीता में दिया गया है। एक तो बात मैं ये कहना चाहता था, तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कही संतों ने कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ये भी लिखा है, महापुरुषों ने लिखा है, गुरबाणी में भी ऐसा आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में भी है। दूसरे शब्दों में कहूँगा कि अगर कोई ताकत इस ब्रह्मांड को चलाने वाली है, कोई ताकत अगर ब्रह्मांड को चलाने वाली है, सूर्य टाइम पर निकलता है, मौसम बदलते हैं, सारा खेल बाहर का कुदरत का देखो तो सही कैसे चल रहा है, तो ये अपने आप में नहीं चल रहा है, कोई ताकत इसको चला रही है, जिसके बारे में संतों ने कह दिया, बड़े क्लियर शब्दों में कह दिया, बलहारी कुदरत बस्या तेरा अंत न जाए लिखया, ये लिखा है महापुरुषों की वाणी है कि तू सारी कुदरत में बसा हुआ है और तू ही सब कुछ कर रहा है, तेरा अंत कौन बता सकता है, कोई नहीं बता सकता, ऐसा गुरबाणी में शब्द आया है। उसके लिहाज पर मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई ताकत इस ब्रह्मांड को चला रही है तो इस शरीर भी कोई ना कोई ताकत है जो इसको चला रही है। तो संतों ने, कबीर साहब ने, श्री गुरु नानक साहब जी महाराज ने और जितने और संत 15वीं-16वीं शताब्दी में हुए, उन सब ने इस चीज़ के ऊपर चिंतन किया, अभ्यास किया, चिंतन किया कि क्या शरीर मन और आत्मा से परे कोई चीज़ है। उन्होंने ये खोज की, बाकी लोगों ने बाहर खोज की, कोई त्रेता में फंसा हुआ है, मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई द्वापर में फंसा हुआ है, कोई पता नहीं क्या क्या हमारे धर्म कर रहे हैं, संतों का उनसे कोई मतलब नहीं है। संतों ने खोज की कि जो ब्रह्मांड को शक्ति चला रही है वो हमारे इस छोटे ब्रह्मांड को भी चला रही है, और फिर वो कहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि शरीर स्थूल रूप में काम करता है, मन सूक्ष्म रूप से काम करता है, आत्मा कारण रूप से काम करती है, लेकिन इनसे ऊपर एक और चीज़ है
जो तीनों का साक्षी है, जो तीनों को देखती है, समझती है और वो निर्लेप है, उस निर्लेप की जब उन्होंने खोज की तो फिर उन्होंने डंका बजा दिया। कबीर साहब ने कहा, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, इसको महल कह दिया कि ए इंसान, तू उसका दीदार करना अगर चाहता है कि वो कौन ताकत है जो इसको चला रही है, वो तेरा प्यारा है, वो तेरे अपने अंदर है, उसकी इसमें अंदर उतर कर खोज कर, ये कहा। फिर श्री गुरु नानक देव जी हमें गुरबाणी भी कहती है, काहे रे मन खोजन जाई, मन में जाकर क्या खोजोगे, वो तो जो सर्वव्यापक, जो सर्वव्यापक है वो तेरे अपने अंदर है, वो तेरे अपने अंदर है, उसको घट में ही खोजो भाई, ऐसा उन्होंने भी कह दिया कि वो है तुम्हारे अंदर है। फिर स्वामी जी महाराज आए, उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि उसकी खोज तुम अपने अंदर करो, जो तुम्हारे शरीर मन और आत्मा का कंट्रोल करने वाली है। और मेरे दादा दयाल महर्षि शिवरतलाल जी महाराज ने कहा, घट में दर्शन पाओगे संदेह इसमें कुछ नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम उसके दर्शन अपने अंदर पाओगे, बाहर नहीं है। बाहर तो जो चीज़ हम आँखों से देखते हैं वो बदलती है, वो बदलती रहती है, जो सुनते हैं वो भी बदलती रहती है, जो हम खाते पीते हैं वो भी बदलती रहती है, बाहर की हर चीज़ समय समय पर बदलती रहती है, लेकिन सुदूर सूक्ष्म और कारण से परे एक और महाकारण चीज़ है, वो कौन सी चीज़ है, उसकी खोज संतों ने हमें कहा करो। राधा स्वामी मत ने इसको अपने ढंग से कहा, गुरु मत ने इसको अपने ढंग से कहा, संतों ने इसको अपने ढंग से कहा, लेकिन बात सबकी एक ही है कि कहीं बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, बाहर केवल मन को शांति देने वाली चीज़ है, बाहर केवल आपको अस्थाई थोड़ी देर के लिए सुख देने वाली चीज़ है, जो असली चीज़ है, जो तुम्हें पूर्ण सुख देगी वो तुम्हारे अपने खट में है। और उसके लिए मैं स्वामी जी महाराज का शब्द आपको सुनाता हूँ, जिसको कहते हैं, खोज री पिया को निज घट में, वो हमें आदेश देते हैं, किसको कहते हैं कि ऐ इंसान, तू अपने उस पिया को जो तेरे देखने में काम कर रहा है, जो तेरे सुनने में तेरा साथ दे रहा है, जो तेरे रसास्वादन ले रहा है, जो तेरे हाथ की शक्ति है, वो सारे का सारा तेरे अपने अंदर है, उसकी तू खोज कर, यही कबीर साहब ने कहा, यही श्री गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा, घट में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जंद, जी मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम क्योंकि मन के मारे हुए हैं, हम काल और माया के बंधन में रह रहे हैं, हम कभी अपने आप में अंदर जाने की कोशिश नहीं करते, हम भूले हुए हैं। संत आते हैं, महापुरुष आते हैं, वो हमें मार्ग दिखाते हैं कि जो कुछ है ऐ इंसान, तेरे अपने अंदर है, बाहर जो कुछ भी है वो तेरे काम का नहीं है। तो इसलिए आज मैं ये शब्द ले रहा हूँ जो संतों की वाणी के साथ मेल खाता है और अनुभव के ऊपर आधारित है, ये वैसे नहीं कहा गया कि। और दूसरी बात मैं एक और कह देता हूँ, ये जो संतों की वाणी है ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया से निर्लेप हो चुके हैं, जिन्होंने दुनिया को देख लिया है, जिन्होंने दुनिया का अनुभव ले लिया है, केवल उनकी बातें समझ में आएगी। जिसको भी दुनिया की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, कुछ चाहता है इंसान के जे भी हो जाए, जे भी हो जाए, जे भी हो जाए, जे भी हो जाए, उसके लिए इस रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। पहले अपने आप को निर्लेप करना होगा, निस्वार्थ करना होगा और केवल अपने आप की खोज करनी है, तो फिर ये चीज़ मिल जाएगी। अगर दुनिया मांगनी है तो दुनिया तो तुम्हें
जहाँ मर्जी पूजा करो, जहाँ मर्जी पाठ करो, जिस मर्जी मूर्ति की पूजा करो, वहाँ भी तुम्हारे मन की ताकत ने तुम्हें देना है, बाकी देने वाला कोई है नहीं, ना कोई दे सकता है। जो जो हमने कर्म किया हुआ है हमें उसी का फल मिलना है, उससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलना। इसलिए परमदयाल बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, ऐ इंसान तेरी किस्मत एक गड़बी है, तेरी किस्मत एक गड़बी है, उसमें जितना पानी भरना है, चाहे वो गंगा से भर लो, चाहे कुआं से भर लो, चाहे तालाब से भर लो, उसमें पानी तो उतना ही आना है जितनी वो गड़बी है। दूसरे शब्दों में जितना तुम्हारा प्रारब्ध है उसके मुताबिक तुम्हें फल मिलेगा। हम वैसे ही हाय हाय करते रहते हैं, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि जो काम कुदरत ने तुम्हें दिया है उसको संभालने का काम समझ के करो, फिर आप निर्लेप होते जाओगे। अगर आप उसको अपना कहोगे कि मेरा मैं कर रहा हूँ, तो शायद उसमें आपको इतना लाभ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ स्वार्थ है। ये उसके लिए है जिसको अपने पिया से मिलने की इच्छा है, उनके लिए ये है, क्योंकि परमदयाल जी महाराज के आदेश के अनुसार जो काम मुझे दिया मैं पहले अपने ऊपर अपने आप को लागू करता हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि वो चीज़ आपके अंदर है, वो बाहर नहीं है। वो को कहाँ ढूँढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये कबीर साहब ने कहा। दाता दयाल जी महाराज बाबा फकीर जी को लिखते थे, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में तेरे मन में तेरे श्वासों श्वास। तो हजूर परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि मैं समझता था कि मैं आँख बंद कर जब भी अभ्यास करता हूँ, गुरु का ध्यान करता हूँ, तो मुझे उनके दर्शन हो जाते हैं। तो मैं समझता था कि गुरु तो मेरे अंदर है, लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आती थी, ये बात कैसे होती है। तो जब लोगों ने बताया कि बाबा फकीर आप आए, हमारा ये काम कर दिया, हमारा ये काम कर दिया, आप ये कर दिया, तो मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया कि जो मेरे अंदर गुरु दाता दयाल जी आते हैं वो भी मेरा अपना ही मन है, और मैं फिर आगे जाने के लिए मजबूर हुआ। ये उनके वचन मैंने आपको सुनाए हैं। दुनिया बनानी है, दुनिया चाहते हो तो केवल सिमरन करो और ध्यान करो, तुम्हारी दुनिया बनती जाएगी, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होती जाएंगी। दुनिया चाहते हो तो सिर्फ उस मालिक को किसी एक रूप में मान लो और उस रूप का कोई नाम रख लो, उसका उस नाम का जहाँ सिमरन करो और उसी का ध्यान करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होती जाएगी। लेकिन एक शर्त उसके साथ संतों ने लगाई है कि अगर आपने सिमरन ध्यान करना है तो पहले मन को साफ करो। अगर तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, शत्रुता है, नफरत है, कामनाएं हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और आप पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। पहले अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए सिमरन करो और ये इच्छा करो कि हे मालिक, मैं नाम का सिमरन इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे अंदर जितनी बुराइयाँ वो सब दूर हो जाएंगी, वो बुराइयाँ भी दूर हो जाएंगी और आप अंदर से बिल्कुल निर्लेप हो जाओगे और फिर आपके काम अपने आप होते चले जाएंगे। इसलिए मैंने ये दो चीज़ें पहले बता दी ताकि आपको कहीं कोई भ्रम ना रह जाए। और अब मैं बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है जो तुम्हें मिलनी चाहिए, वो क्या चीज़ है जिनके लिए हमें ये जन्म मिला, वो कौन सा पिया है जिसके सहारे मैं बोल रहा हूँ, वो कौन सा पिया है जिसके सहारे मैं देख रहा हूँ, वो कौन सा पिया है जिसके सहारे मेरे शरीर में हरकत हो रही है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सुनिए। खोजी पिया को निधि घट में, खोजी पिया को निधि घट में। वो कहते हैं उस पिया को कहाँ खोजना है, कहाँ ढूंढना है, अपने घट निज में, अपने घट में। ये से घट कहते हैं इस खोपड़ी को, ये घट है, ये घट नहीं है, नीचे वाला शरीर है, ये घट है, ये पांच ज्ञान इंद्रियां दुनिया के लिए है, दुनियावी दुनिया के लिए है, कर्म इंद्रियां कर्म करने के लिए है,
ज्ञान इंद्रियां विवेक के लिए है, वो ज्ञान कर्म संसार के कर्म कांड से और ज्ञान से आगे की चीज है, जिसको संतों ने अनुभव का नाम दिया। वो अनुभव है, वो कहाँ मिलेगा? शरीर और मन की सीमाओं से परे मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। इसलिए से कहा है दाता स्वामी जी महाराज ने कि ऐ री कहा है, किसको कहा री? हो सकता है जहाँ कोई हो सकता है उनके पास कोई ऐसी विदुषी बैठी हो, कोई ऐसी माता बैठी हो जिसने ये प्रश्न किया हो कि महाराज बताओ वो कहाँ है, तो शायद ये शब्द उनके लिए उन्होंने लिखा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी सभी आत्माओं के लिए, हमारी सभी सुरत के लिए ये शब्द है, जो ये कहते हैं कि उसकी खोज अपने घट में करो, अपने अंदर करो। आगे जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में, खोज पिया को निजी घट में। पिया कहते मालिक को, मालिक अगर आप उस मालिक को मिलना चाहते हैं तो वो कहते हैं इसे संसार में मत भटको, कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई, मैं इसका खंडन नहीं करता हूँ। हर इंसान का अपना अपना लेवल है ना, अपना अपना लेवल है, जहाँ जहाँ जिसको मानसिक सुख मिलता है वो वहाँ जाएगा, उसको क्यों बुरा कहा जाए? ठीक है ना, सभी एक ही लेवल के लोग नहीं होते। तो जिस जिस क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है, जिस जिस कंडीशन का वो बच्चा है, जो कॉलेज में कोई साइंस पढ़ना चाहता है, कोई आर्ट्स पढ़ना चाहता है, कोई कॉमर्स पढ़ना चाहता है, तो सबको थोड़ी साइंस पढ़ाई जाती है, सबको कॉमर्स नहीं पढ़ाया जाता। ऐसे ही संत मत की शिक्षा लेवल लेवल की है, अपने अपने लेवल की है। ये शिक्षा उनके लिए है जो अपने पिया को मिलना चाहते हैं। पिया मीन इस शरीर का जो मालिक है, इस शरीर की जो नस नस में बैठा हुआ है, उस पिया की खोज की मैं बात कर रहा हूँ। ये और कोई बाहर पिया नहीं है, और वो जो पिया है वो माल के कुल की अंश है। हमारा शरीर माल के कुल की अंश नहीं है, ये ब्रह्मांड की अंश है। पांच कर्म, पांच जो तत्व हैं जिससे ये ब्रह्मांड बना है, ब्रह्मांड पांच तत्व से बना है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश है, यही पांच तत्व से बना है ना जो सारा ब्रह्मांड। तो उस ब्रह्मांड के ही ये रूप है। हमारा शरीर भी पांच तत्व से बना है, इसमें जल भी है, पृथ्वी भी है, अग्नि भी है, वायु भी है और फिर आकाश भी है। वायु के हिसाब से हमारे शरीर का ये बड़ा एक लंबा टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं पहले कई दफ़ा बोल चुका हूँ। जैसी जैसी प्रकृति हमारे शरीर के अंदर है, पृथ्वी जिस नेचर की हमारे शरीर के अंदर है, जल जिस प्रकृति का हमारे शरीर के अंदर है, अग्नि जिस नेचर की हमारे अंदर है, या वायु जिस नेचर की हमारे अंदर है, या वो शब्द जिस नेचर से हमारे अंदर है, उसके मुताबिक हम जीवन को गुजारने के लिए मजबूर हैं। एक बात, हमारा जो शरीर बना, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे कुम्हार बर्तन को बनाने से पहले सोचता है कि इसमें क्या डालना है, जहाँ ठठेरा जो पीतल के बर्तन बनाता है, स्टील के, अब तो स्टील की तो मशीनें बन गई, तो मशीन के भी सच्चे बने हुए हैं, तो वो पहले ही सच्चा बनता है, पहले उसका एक डिज़ाइन बनता है, फिर उसके मुताबिक बर्तन बनता है कि ये बर्तन किस लिए इस्तेमाल होगा। तो ऐसे ही हमारे उस मालिक ने हमारा शरीर खास मकसद के लिए बनाया है। हमारे शरीर का भी मकसद है, जिस मकसद से हमारा शरीर कुदरत ने बनाया, हम उस तरीके से काम करने के लिए मजबूर हैं, तो उसको हम रोक नहीं सकते। तो जिस पर उस मालिक की अपार कृपा हो जाती है, अपार जिस पर कहते हैं, जिस पर दया आदि करता की सोचे न्यामत पावे, मालिक ने उसके शरीर को, उसके ढांचे को बनाया इस ढंग से है कि वो इसी काम के लिए दुनिया में जाएगा,
इसलिए हजूर फरमाया करते थे बाबा फकीर से महाराज कि मैं अनामी धाम से इस पर्दे को उठाने के लिए ही आया हूँ, मैं सतपुरुष बन के आया हूँ। और वो इसलिए कहते थे कि उनके शरीर का, जैसे दाता दयाल ने उनको पहले ही लिख दिया, तू तो आया नर्दे ही में धर्म फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा उनके जैसा। तो दाता दयाल जी ने पहले कहा कि तुम आए इस काम के लिए हो, मेरी बात समझ गए ना। तो ऐसे ही अब अपने आप को सोचो, बैठो, विचार करो कि मैं सत्संग में गया तो किस लिए गया, क्या पाने के लिए गया, क्या मुझे लाभ होगा, क्या लाभ नहीं होगा, क्या कोई ये मनोरंजन है, ये सत्संग मनोरंजन नहीं है। क्या कहना चाहता हूँ, ये सत्य ज्ञान का सत्संग है। सत्य ज्ञान किसका, हु आर यू, तुम कौन हो, ये उसके बारे में सत्संग है जो सजूर बाबा कीर्ति महाराज ने हमें दिया है। तो इसलिए वो कहते हैं, ऐ इंसान अगर तू अपने आप को पाना चाहता है, अपने शरीर, अपने मन और आत्मा के मालिक को पाना चाहता है, जो तेरे शरीर का पिया है, जब वो पिया चले जाएगा तो ये शरीर मिट्टी हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो कहते हैं संसार में तू मत भटक, ये दुनिया की बातों में मत जा, तू अपने अंदर जाने की कोशिश कर। ये स्वामी जी महाराज का वचन है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, और जो मुझे मेरे दादा ने बताया उसके हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐ इंसान, बाहर जो कुछ भी है वो क्षर है, क्षर जानते जो नष्ट होने वाला है, अक्षर जो बदलता है, नए अक्षर जहाँ ना तब्दीली है ना कुछ भी है, वो एक और स्टेज है, और चौथी स्टेज तो वो अटल है, वो सत्य है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमारा आधार है, उसको हम परम तत्व कहते हैं, उसको हम अलग नाम दे दिए, किसी ने उसको अल्लाह कह दिया, किसी ने उसको खुदा कह दिया, किसी ने उसको परमेश्वर कह दिया, किसी ने उसको राम कह दिया, किसी ने उसको कृष्ण कह दिया, ये अपना अपना ख्याल है। जिस जिस ख्याल से तुम इस दुनिया को देखोगे वैसी ही दुनिया तुम्हें नजर आएगी। दुनिया कोई चीज़ नहीं है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तुम्हारी नज़र ही दुनिया है और कुछ भी नहीं है। आप मेरी समझ रहे हो, आगे बढ़ो। तीर्थ बढ़ते करम आचारा, तीर्थ बढ़ते करम आचारा, अटकावई मध में खोजई पिया को निजी घट में। जो अब बाहर मुखी स्वामी जी महाराज ने सारे खंडन कर दिए, बाहर मुखी जो कुछ भी हम करते हैं, तीर्थ है, व्रत है, यात्रा है, कर्म कांड है, जो भी कुछ भी है, इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, तुम्हें थोड़ी देर के लिए मानसिक सुख मिलेगा कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो तुम आपस जो तुम हो वास्तव में, जो सबके भी, जो सबका मालिक है, जो तुम्हारे शरीर का मालिक है, वो तुम्हें नहीं मिल सकेगा। क्योंकि क्या क्या कहा, दोबारा पढ़ो यही लाइन, तीर्थ व्रत, तीर्थ व्रत करम आचारा, अटकावई मध में, रास्ते में अटकाते हैं, ये तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे, इसकी सीमा है। फिर दोबारा कह देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ, जो काम हम शरीर से करते हैं, शरीर की एक सीमा है, शरीर की एक सीमा है, उस शरीर उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। फिर मन से जो काम करते हैं, मन की भी एक सीमा है, मन की कहाँ तक दौड़ होगी, मन की दौड़ केवल वहाँ तक है जहाँ तक आपने किसी चीज़ को देखा है, जिस चीज़ को आपने देखा ही नहीं है मन उसके बारे में सोच ही नहीं सकता। क्या कह रहा हूँ मैं, बात को समझने की कोशिश करो, हमारा मन वहाँ तक ही जाएगा जहाँ तक हमने कुछ देखा है, जब देखा ही नहीं तो उसको क्या, किसी ने बॉम्बे देखा ही नहीं है तो मैं उसको कहूँ बॉम्बे में ये है, वो है, वो है, वो कहेगा मैं तो देखा नहीं जी, मुझे तो पता नहीं, बात समझ गए, क्योंकि
क्योंकि जिसने देखा है जिस चीज को, उसका मन वहां तक ही जा सकता है, आगे नहीं जा सकता। तीसरी बात आत्मा, आत्मा क्या है? वो प्रकाश रूप है, आत्मा प्रकाश रूप है। प्रकाश का कोई सीमा नहीं है, प्रकाश की कोई ब्रह्मांड में सीमा नहीं है। और ये पृथ्वी अपना ऐसे ऐसे अपने गोले के ऊपर घूम रही है, जहाँ जहाँ पृथ्वी सूर्य के सामने जाएगी वहाँ प्रकाश है, जहाँ पृथ्वी सूर्य से दूर है जो पासा वहाँ रात है। जैसे हमने यहाँ बैठा इंडिया में इस वक्त दिन है, और अमेरिका में इस वक्त रात है, कनाडा में इस वक्त रात है, ऑस्ट्रेलिया में भी आप 10 बज चुके, बहुत सुबह होने हमारे से 5 घंटे आगे हैं वो, 10 या 10 से भी ज़्यादा उनका टाइम हो चुका है, 5 घंटे आगे हैं वो, 2 बजे होंगे वहाँ ऑस्ट्रेलिया में। तो ये ज़मीन के चक्कर से हमारा दिन और रात बनता है। तो प्रकाश की भी सीमा होगी, कहाँ तक जाएगा? जहाँ वो सूरज के सामने है। तो हमारी आत्मा की उड़ान प्रकाश तक है, तो प्रकाश वहाँ तक ही जाएगा जहाँ तक तुम्हारी आत्मा की सीमा है, उससे आगे नहीं जा सकता। मेरी बात आप समझ रहे हो, बड़ी ऊँची बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ जहाँ जहाँ तुम्हारा आत्मा का ज्ञान है, वहाँ की आपको सूचना मिलेगी, वहाँ का आपको ज्ञान होगा, वहाँ का आपको दृश्य नजर आएगा। अगर आप इस होशियारपुर में बहुत ऊँची मंजिल पर चढ़ जाएंगे तो तुम्हें सारा होशियारपुर नजर आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही हमारी आत्मा का हाल है कि जब हम प्रकाश में चले जाते हैं तो हमें जहाँ तक हमारी आत्मा की सीमा है, वो वहाँ तक हम अपने आप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे एक चौथी स्टेज और है, जो शरीर मन और आत्मा से भी आगे है, वो हमारी सुरत है। वो सुरत क्या है? वो माल के कुल की अंश है, माल के कुल का कोई सीमा नहीं है, वो बेअंत है, वो निर्लेप है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसके बारे में संतों ने अपने अपने विचार से कहा है कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, तेरा तो कोई अंत ही नहीं है। तो जो उसकी अंश है, आपकी सुरत जो तुम्हारी है, ये उसकी अंश है। तो जब ये वहाँ पहुँच जाती है, उस स्टेज पर पहुँच जाती है, तो फिर वे सर्वव्यापक हो जाती है। क्या कहा मैंने? तो वो जब तुम वहाँ पहुँचोगे, कहाँ? अब जब शरीर मन और आत्मा से आगे जाओगे, जब मन की सीमाओं से, इंटेलेक्ट की सीमाओं से आगे जाओगे, तो तुम वहाँ पहुँच सकोगे। अगर बाहर के इन कर्मकांडों में तुम रहोगे तो आप वहाँ का स्वप्न भी नहीं दे सकते। इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने हमें आदेश दिया, स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स वेयर इंटेलेक्ट एंड्स। यहाँ बुद्धि के पर नहीं रहते, वहाँ बुद्धि नहीं है, ना मन है ना बुद्धि है, वहाँ से आगे वो उसकी सीमा है। ये दाता ध्यान ये स्वामी जी महाराज कहने जा रहे हैं, बोलिए आ रहे हैं। जब लग सतगुरु मिले न पूरे, जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खो गई पिया को निज घट में। कह दिया, बहुत ऊंची बात कह दी। ऐ इंसान, जब तुम्हें पूरे सतगुरु नहीं मिलेंगे, तुम इन दुनिया के ही चक्कर में पड़े रहोगे। अब वो सतगुरु पूरा कौन है, ये एक सवाल है। वो पूरा सतगुरु कौन है? जिसको पूर्ण अनुभव है, पूर्ण अनुभव है, जिसके बारे में सुखमनी साहब में एक शब्द आता है, सतपुरुष जिन विवेकिया सतगुरु जिसका नाम। सतपुरुष जिन विवेकिया, जिसने सतपुरुष को जान लिया, सतगुरु जिसका नाम, ताके संग शिष्य उबरे नानक हर गुणगान। फिर शिष्य जो है उस सतपुरुष के, उस सतगुरु के चरणों में बैठकर पार हो सकता है। फिर आगे उन्होंने एक लाइन और कह दी, जीवा एक उस्तत अनेक, जीवा एक सतपुरुष है पूर्ण विवेक। पूर्ण विवेक कौन सा? पूर्ण विवेक
वो कौन हो सकता है जिसको क्या पता लगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वो सत्पुरुष कौन हो सकता है जिसको ये ज्ञान हो गया कि ये संसार की उत्पत्ति कैसे होती है। नंबर वन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु इस संसार को चलाने वाली कौन सी हस्ती है। गुरु महेश्वरा ये संसार लुप्त कैसे हो जाता है। और गुरु साक्षात परब्रह्म वो कहते हैं परब्रह्म परब्रह्म में विशाल प्रकाश जहाँ से हमारी आत्मा आई है उसका भी उसको ज्ञान हो जाता है। ये जो शब्द चार लिखे गए हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो कहता प्रकाश को ही तुम मानो। और यही बात गायत्री में भी कही गई है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण से परे एक प्रकाश आपके अंदर सूर्य है उसको अपने जीवन का पथ प्रदर्शक बनाओ। वो सिर्फ प्रकाश तक गए लेकिन संत उससे आगे गए। वो आगे गए उन्होंने शब्द ब्रह्म की खोज की। पर ब्रह्म से आगे शब्द ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म ही हमारी सूरत का आधार है। ये मैं क्या कह रहा हूँ मैं बहुत ऊंची बात कर दी आप लोगों के साथ आप सुनो ना सुनो लेकिन ये बात उनके लिए है जो वहाँ की सैर करना चाहते हैं। तो कैसे कहा फिर तो कौन हुआ फिर सतगुरु पूरा फिर पढ़ो यही लान बिन जब लग सके गुरु मिले न पूरे पड़े रहोगे अग में। आप दुनिया में ही फंसे रहोगे अगर आपको ये चारों चीजों का ज्ञान नहीं हुआ। वो क्या है ख्याल की उत्पत्ति कैसे हुई। आपके अंदर ख्याल पैदा हुआ उस ख्याल के मुताबिक अपने अपने जीवन को बनाया और उसका भोग किया और फिर उसको त्याग दिया। क्या कोई एक ख्याल सभा रहता है नहीं रहता ना। ये भी ब्रह्मा है ये भी विष्णु है यही भी शिव है। तुम्हारे हर रोज तुम्हारे साथ रहता है तुम्हारे अंदर है बाहर है नहीं। तुम्हारे अंदर ख्याल पैदा हुआ उस ख्याल से तुमने एक इच्छा एक एक हालात पैदा किए उन हालात का आनंद लिया और फिर उस आनंद से प्राण हो गया। तो तीनों चीजें तो आपके पास हैं विष्णु भी ब्रह्मा भी और शिव भी तुम्हारे अपने पास है कहाँ है बाहर है। लेकिन बाहर की दुनिया जो है वो और है संतों की दुनिया और है। मैं बाहर की दुनिया की बात को कह दिया कि तुम उसी में फंसे रहोगे कह दिया ना बिन सतगुरु के तब तक तुम्हें अपने ख्याल का पता नहीं है। जैसा ख्याल वैसा हाल जैसी मति तैसी गति जैसी नियत तैसी मुराद ये संतों के वचन हैं। हम इनको कैसे त्याग कर सकते हैं इसलिए पहले ख्याल को देखो कि ख्याल कैसे आया क्यों आया और ख्याल का उत्पत्ति क्यों होती है। मैं तो उससे भी पीछे चला जाता हूँ कि ख्याल को बनाने वाला कौन है। ख्याल को बनाने वाली हमारी खुराक है जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। और अब हमारा जो हम खुराक खाते हैं वो आती कहाँ से है वो हमारी कमाई से आती है। जैसा कर्म करके आप पैसा कमाते हैं और फिर उससे भोजन लेते हैं भोजन खाते हैं तो उसके मुताबिक ही आपका मन बनेगा। अगर कमाई ठीक नहीं है धोखा है 420 है हेरा फेरी है मिलावट करते हो तो फिर आपका मन शुद्ध हो ही नहीं सकता आपके ख्याल शुद्ध हो ही नहीं सकते। आप उसी चक्कर में रहोगे और आपको कोई दुनिया की ताकत आपके जन्म मन से फ्री नहीं कर सकती है। इसलिए संतों ने मेरे बाबा फकीर जी ने बहुत ऊंची आवाज से कहा ए इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप तू दो काम कर ले अपनी नीयत को साफ कर और नीयत को साफ रख के कर्म अच्छा कर बस तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हमने कर्म की ओर तो ध्यान ही नहीं देते। देश का हाल देखो कितनी कितनी हेरा फेरी है कितना झूठ है कितनी मक्कारी है कितनी मिलावट है किसी चीज़ की शुद्ध चीज़ तुम्हें मिलेगी नहीं खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। सब्जियों को भी टीके लगाने शुरू कर दिए
अब फलों को कच्चा तोड़कर उनको पकाया जाता है, तो तुम कैसे ही सोच सकते हो मेरे देश का कल्याण हो सकता है। जिस मर्जी देवी देवता की तुम पूजा करो, तुम जन्म मरण के चक्कर से नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते, क्योंकि हमारी रहनी ठीक नहीं है, हमारा कर्म ठीक नहीं है। और हम कैसे स्वप्न कर ले सकते हैं कि मैं इस दुनिया से पार चला जाऊं? कोई नहीं सोच सकता, कभी हो ही नहीं सकता। ये तो तलवार की धार पर चलने वाली बात है, तब जाकर कहीं आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा, और गुरु की कृपा से होगा, और गुरु की आज्ञा पर चलने पर होगा, वैसे हो नहीं सकता। इसलिए मैंने आपको ये चारों चीज़ें बता दी कि क्या है, कौन सा सतगुरु पूरा है जो तुम्हें पार कर सकता है। सतगुरु पूरा ज्ञान देता है, सतगुरु पूरा आपकी अंध की आँख को खोलता है कि ऐ इंसान तू किस लिए ये काम करता है, तू अपने आप को पहचान तो सही, तू इतना क्यों गिर गया है। अरे जानवर भी कई बुरी चीज़ को छोड़ देते हैं, उसको नहीं खाते, तू तो किसी चीज़ के ऊपर किसी तरह का भेदभाव ही नहीं करता, जो मिल गया, जब मिल गया, जहाँ मिल गया वो उसका भक्षण तुम करते हो, और पैसा कमाने के लिए ना जाने क्या क्या तुम करते हो, तुम्हें तो सब्र ही नहीं रहा। इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इस देश में इतने महान पुरुष हुए हैं, इतने संत हुए हैं, इतने ऋषि हुए हैं, इतने महापुरुष हुए हैं, इतने धर्म ग्रंथ हमें लेकर दे गए हैं, हम इतने कृतघ्न हैं, हम इतने क्या कहूँ मैं किरे हुए इंसान हैं कि हमने अपने गुरुओं की वाणी को भी ठोकर मार दी है, हमने अपने गुरुओं के वचन को भी नहीं माना है, तो हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कोई आ जाए हिंदुस्तान में, सरकार कोई आ जाए, जब तक इंसान इंसान नहीं बनता देश में शांति आ नहीं सकती, कभी नहीं आएगी। तो क्या कहा मैं सतगुरु के स्थान से बोल रहा हूँ और बड़े दर्द से कह रहा हूँ कि ऐ इंसान कोशिश कर, तेरा सतगुरु तेरे अपने अंदर है, वो तुम्हें बताएगा कि तूने क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन तुम उसकी बात ही नहीं सुनते हो, अपनी घट की बात को भी नहीं सुनते हो। आपको बोलता है अंदर से, तुम्हारी आत्मा अंदर से, तुम्हारी वो सेल्फ बोलता है, कभी सुनो उस आवाज को, वो तुम्हें रोकता है कि ये मत कर, लेकिन तुमने उसका भी गला घोंट देते हो और फिर आंख बंद करके जो मर्जी चाहते करते हो, तो कैसे कल्याण होगा, नहीं हो सकता। ऐ इंसान पहले इंसान बनने की कोशिश कर, पहले इंसान बन, फिर देखो भगवान तुम्हें कैसे दर्शन देता है। आगे चलो। नाम सुधार कभी न पाओ, नाम सुधार कभी न पाओ, भरमो जो नीखत में खोज, भरमो जो नीखत में खोज पिया को निज घट में। अब उन्होंने, अब तुम्हारे देश में नाम बड़ी महिमा है, नाम ले जाओ, नाम ले आओ, नाम ले आओ, जहाँ देखो नाम की महिमा हो रही है वहाँ जाओ नाम ले आओ, वहाँ जाओ नाम ले आओ, उधर जाओ नाम ले आओ, इधर जाओ नाम ले आओ। कौन सा नाम लेते हैं जो मुझे नहीं समझ आती। अगर नाम मिल जाए तो देश मेरा स्वर्ग बन जाए। ये नाम नहीं है जो लोग गुरुओं के पास लेने जाते हैं, वो नाम नहीं है, वो नाम हो ही नहीं सकता जब तक तुम्हारे मन की प्लेट साफ नहीं है, वो तो एक बिजनेस हो गया, नाम भी बिजनेस हो गया, और नाम की भी कीमत रख दी गई है। बीज नाम ले जाओ, 3,500 रुपया जमा करवाओ, आपको बीज मंत्र मिल जाएगा। ये कौन सा नाम हुआ? ये तो वो नाम तो 30 साल के लिए धर्मदास जी जो बहुत धनी थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, 30 साल कबीर साहब के दरबार में बैठे रहे उनकी सेवा में, 30 साल के बाद जाकर कबीर साहब ने उसको कहीं भेद बताया कि ये है असली नाम धर्मदास, लेकिन किसी को बताना नहीं तुमने, ये तेरे लिए है, तूने बहुत सेवा की है। लेकिन यहाँ क्या है, दाता दयाल स्वामी जी कहते हैं
तुम्हें नाम का रस नाम का अमृत मिलने ही नहीं सकता है, कभी नहीं मिल सकता, और तुम जन्म मरण के चक्कर से कभी पार नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके लिए चार तीन चीजें बहुत जरूरी है। पहले कर्म प्रधान विषय कर रखा जो जस्ती दस फल चाखा, ये पहली बात कह दी। कबीर साहब ने कह दिया कर्म जो जो कर्म गति टले नहीं टले, किसी की बात क्या करना, हमारे राम नहीं टाल सके अपने कर्म की गति को, जिनकी हम पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण नहीं टाल सके, उनका सारा परिवार आपस में लड़कर मर गया, मैं क्या बुरा हूं, बुरा ना मानना मेरी बात को, कोई नहीं टाल सकता अपने कर्म को, कोई नहीं टाल सकता, चाहे कोई संत है चाहे कोई परम संत है चाहे कोई। मैंने लिखा फेसबुक के ऊपर खुला लिखा कि ऐ इंसान तू पहले इंसान बन, बाकी छोड़ दे सब कुछ, इंसान बनने की कोशिश कर। इंसान कौन होता है जो दूसरे के दर्द को समझता है, वो इंसान है। जो दूसरों के प्रति वो व्यवहार करता है जो वो अपने प्रति चाहता है, वो अपने आप को उसकी जगह रखता है फिर व्यवहार करता है कि अगर मैंने इसको गाली दी तो ये मुझे भी गाली देगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे तो कैसे हमारा कर्म ही ठीक नहीं है, फिर हमारी रैली ठीक नहीं है, फिर हमारी खुराक ठीक नहीं है, हमारा खाना कहाँ चला गया? आज से जो 50 साल पहले हमारा खाना था, आज क्या खा रहे हैं हम, आज क्या खा रहे हैं? मैं बात कर रहा था, कितने कितने बड़े हमारे बुजुर्ग होते थे। मैं मंडी गया, मंडी ये हमारे हिमाचल में मंडी है, वहाँ मेरी ड्यूटी लगी कॉलेज में, तो मुझे पता चला कि वहाँ एक गुरुद्वारा है जहाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ठहरे थे, तो मैं ऑफ ड्यूटी में वहाँ गया देखा, तो एक कमरा जिसमें महाराज जी रुके थे और उसमें पलंग लगा हुआ, और पलंग के जो क्या उसको बोलते हैं पावे, पलंग के जो पावे वो इतने इतने मोटे, इतने इतने चार पावे, और लंबा कितना वो जहाँ से लेकर वो जहाँ तक बहू जी बैठे इतना लंबा। तो मैंने अनुमान लगाया कि आज से 500 साल पहले गुरु गोविंद सिंह साहब जी का शरीर कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा शरीर होगा जो इतने बड़े पलंग के ऊपर बैठे हो, हवी होगा। और फिर वहां उनकी एक राइफल भी है जो उन्होंने चलाई, क्योंकि वहां के राजा ने बंद करो, वहां के राजा ने महाराज जी से प्रार्थना की, हजूर श्री गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज ये मेरे आसपास के बिलासपुर का राजा, ये कांगड़े के राजे जो मेरे बड़े दुश्मन है, मेरे ऊपर कृपा करो, रक्षा करना। उसने कहा अच्छा राजन आप एक हांडी ले लो, हांडी जानते हैं ना, मिट्टी की हांडी होती थी, आज तक खत्म हो गई, उसको ऊपर में दरिया में ऐसे छोड़ दो उल्टे, उल्टा डूबता नहीं है ना, उल्टा ऐसे डाल दो, उसमें हवा भर जाती है, वो डूबता नहीं है। तो जब वो हांडी ऊपर से आ रही थी तो गुरु जी ने उस पर वो निशाना साधा, गोली लगी लेकिन हांडी नहीं टूटी, वो गुरु जी की गोली लगी। तो उन्होंने कहा तेरी मंडी ऐसे बचेगी जैसे हांडी, तेरी मंडी पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, और मंडी पर कभी किसी का आक्रमण नहीं हुआ। वो राइफल भी मैंने देखी, मैंने कहा वो सिंह साहब थे, मैं कहा सिंह साहब उठा के देखो, कहते बाबू जी देख लो उठा के, मेरे से तो उठा ही नहीं गए। तो मैं अनुमान लगाया कि हमारे वो गुरु साहबान जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, आज मैं देखता हूं क्या हो रहा है इस देश में, जहां इतने बड़े महापुरुष पैदा हुए, इस देश में ऐसे ऐसे संत पैदा हुए, गुरु साहबान आए इस देश को पवित्र बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए, क्या कुछ लिख गए, और हम उनकी औलाद कहलाते हैं अपने आप को,
कि हम गुरु को मानने वाले हैं, हम ऋषियों की औलाद हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? जरा देश की हालत देखो क्या हो रही है, दुख होता है। इसलिए ऐ इंसान, तू स्वप्न लेना भूल जा कि तेरा जन्म ना जाने तू क्या बनेगा, तू क्या बनेगा। 84 लाख जूनी है, तेरा भी वही हाल होगा जो जमीन पर कीड़े और मकौड़े फिर रहे हैं, वो हाल होगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। श्री गुरु हमारे स्वामी महाराज सावन सिंह जी महाराज ने फरमाया एक सत्संग में कि जो जिनको हरिद्वार से प्रेम है वो हरिद्वार की मछलियाँ बनेगी। और मेरे सुर बाबा फकीर जी ने महाराज ने कहा कि जिनको मेरे से प्रेम है, मानता मंदिर से प्रेम है, वो जहाँ की मछलियाँ बनेगी, यही जन्म होगा उनका। इससे बड़ी बात कौन कह सकता है। अरे पानी को पकड़ो, शब्द को पकड़ो जो तुम्हें पुकार पुकार कर रहा है कि सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो, तब कल्याण होगा। ये नहीं इधर से सुना और इधर निकाल दिया तो गुजारा नहीं होगा। लेकिन हो यही रहा है कि हम जाते हैं, सत्संग भी एक मनोरंजन बन गया है, मनोरंजन बन गया है। चलो रिश्तेदारों को मिल देंगे, वहाँ दोस्त मित्र हैं वो मिल देंगे, और क्या है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहा। मेरी बात समझ गए, वही लाइन फिर पढ़ो। नाम सुधार से कभी न पाओ भरमो जो निखट में। नाम कौन सा नाम, जो नाम जपा नहीं जा सकता, जो नाम सिमरन में नहीं आता, जो नाम लिखने में भी नहीं आता, वो तुम्हारे अपने अंदर खट में हर वक्त हो रहा है, हर वक्त हो रहा है। लेकिन उसको सुनेगा कौन, कौन सुनेगा? केवल वो सुनेगा जिसने गुरु की आज्ञा का पालन किया, बाकी कोई सुन नहीं सकता। जो जिंदगी को एक ऐसे ढांचे में ढाल लेगा कि जिसमें कोई दुनिया नहीं है, कोई संसार नहीं है। क्योंकि लिखा है दाता जी महाराज ने, जब नाम मिला तो सब मिला, नाम मिला तो सब मिला, सब कुछ मिल जाता है नाम मिलने से, फिर कोई कमी नहीं रहती और हमारे अंदर का संसार भी खत्म हो जाता है। ये दुनिया तो आदमी भूल गया, इसका तो पता नहीं लगता दुनिया है भी कि नहीं है। लेकिन अंदर की दुनिया जो मन बनाता है, अंदर तरह तरह के दृश्य दिखाता है, गुरु का रूप दिखाता है, दुनिया दिखाता है, प्रेम की जगह सब कुछ देखते हो ना अंदर बैठकर, वो भी खत्म हो जाती है। ना ये दुनिया ना वो दुनिया। थोड़ी सी बात सुना देता हूँ आपको। राजा जनक बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं, राजा था वो, लेकिन उनको एक स्वप्न आया। सेवादार सेवा कर रहे हैं, बात को ध्यान से सुनना, आपको भी सुना देता हूँ, सुनी भी होगी आप लोगों ने शायद बात। तो उसको स्वप्न की आया राजा जनक को कि वो बहुत गरीब है, कपड़े फटे हुए हैं, भूख बहुत लगी हुई है और घर घर में रोटी मांग रहा है। ये स्वप्न आया, सपने में राजा जनक रोटी मांग रहा है, माता भूख लगी बहुत रोटी दे, चल चल आगे, है नहीं, आगे गया, आगे गया, आगे गया। चौथी जगह किसी माता ने कहा बच्चा रुक, उसने एक फुलका उसको दे दिया, ऊपर सब्जी डालकर जो भी उस समय होती होगी, तो वो लेकर चला के वाह मौज लग गई खाऊंगा। जब वो खाने लगा ऊपर से गिद्ध आई, गिद्ध जानते हो ना, उसने झपट मारी और रोटी छीन कर ले गई, और जैसे झपट मारी तो उसकी आँख खुल गई, कुछ झटका लगा ना आँख खुल गई। ओ देखता है इधर देखता है उधर देखता, ऊपर देखता नीचे देखता, सेवादार सेवा कर रहे हैं, है ना, पलंग के ऊपर सो रहा है, आराम है, सब कुछ है। तो वो उस वक्त कहने लग गया, ये सच, ये सच या वो सच,
जो मैं भिखारी बना हुआ था, ये सच या वो सच? वो कहते महाराज क्या? कहते वो सच कि ये सच? कहते महाराज क्या? कहते अभी मैं देखा, वहां मैं था, मैं भूखा था, प्यासा था, रोटी ले ली, वो भी छीन ले मेरे से। तो वो तो उनको कहते महाराज आप तो शहंशाह, कहते नो ये बात नहीं है। दरबार बुलाया, बड़े बड़े अपने वजीरों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, बताओ पंडित जी ये सच के वो सच? सारे शिफ्ट कर रहे हैं, शहंशाह आलम अब तो महाराज हमारे शहंशाह हैं, अब तो हमारे दाता, आप तो जानते ही है ना चापलूस तो बहुत होते हैं हमारे देश में, चापलूसों की कमी नहीं है, सब चापलूसी है, हर जगह चापलूसी है, उसकी तसल्ली नहीं हुई। फिर संतों को बुलाया, महात्माओं को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, वो भी ऐसे कहने लगे। तो अष्टावक्र जी आ गए, बहुत उच्च कोटि के संत अष्टावक्र, शरीर के आठ आठ तरह से जिंगा टेढ़ा हुआ हुआ है, आके खड़ा हो गया, गर्जा गर्ज कर कहता महाराज ये आपकी क्या, ये आपको क्या उत्तर देंगे? तुम्हारी बात का जवाब मैं दूंगा। राजा को तसल्ली हुई, कहते आइए महाराज, आगे आगे सामने खड़ा हो गया। कहते ऐसे कैसे जवाब दे दूं, मुझे सवाल का जवाब दो कि सवाल करने वाला बड़ा होता है कि जवाब देने वाला बड़ा होता है। राजा को सवाल किया, राजा कहता महाराज सवाल करने वाला छोटा और जवाब देने वाला बड़ा। कहते आप तो सिंहासन पर बैठे और मैं यहाँ खड़ा हूँ। राजा उतरा सिंहासन से, कहता महाराज विराजमान हो जाइए, उनको बैठा दिया। हम कहते राजन बोल तेरा सवाल का जवाब, सवाल क्या है? कहते महाराज ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मैं भिखारी बना हुआ रोटी मांग रहा हूँ और रोटी भी मेरी छीन कर ले गया जानवर, तो जबकि यहाँ मेरा शहनशाही था, देख लो क्या है, क्या ये सच है कि वो सच है? वो कहते अच्छा बैठ जा, सबसे पहले अपना जो भी राजपाट है मुझे अर्पण कर देना पड़ेगा, कुछ पहले मुझे दान कर फिर तेरे सवाल का जवाब दूंगा। फिर हाथ जोड़े कहते मारा सारा राजपाट आपका, ठीक। फिर कहा अभी दो चीजें और लेनी मैंने आपसे। कहते महाराज हुक्म करिए, तेरा शरीर भी मेरा। जी महाराज अब बैठ जा, तेरे शरीर के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं है। फिर तीसरी बात कही, राजन अब अपना मन भी मुझे दे दे। अब मन देने से क्या होगा, मन में विचार ही नहीं आएगा कोई भी, आएगा? जब मन दे दिया तो लिखा है गुरबाणी में लिखा है, मन को बेचे सदगुरु पास ते सेवक के कार्य रास। मन ही दे दिया, जब मन दे दिया तो फिर क्या हुआ, समाधि लग गई, राजा की समाधि लग गई और वो प्रकाश में चला गया, शब्द में चला गया, साइलेंस आनंदित हुआ। फिर अष्टावक्र ने इशारा किया राजन नीचे आओ, बोला क्या देखा? ये था वहां दुनिया, ये वहां दुनिया थी? कहते नहीं महाराज, जो तुमने अंदर देखा था वो भी थी वहां? कहते नहीं महाराज, तो जो देखा वो पता क्या है? जी महाराज बस वो सत्य है, ना ये सत्य न मन का खेल सत्य। क्या कहा मैंने, आप लोगों को समझाने की कोशिश की है मैंने, ये है सत्य जो मन से परे है। हम तो मन के मन में बैठे हैं। और उसने सिर झुका दिया, उसने कहा राजा ये राज भी तेरा, शरीर भी तेरा, मन भी तेरा, हम चले। मेरी बात समझ गए बच्चों? इसलिए ये जो बात ये है, जब तक सतगुरु ना मिले, मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मुझे परम दयाल जी महाराज के स्वरूप में, बाबा फकीर जी के रूप में सतपुरुष मिला और मुझे ये भेद दिया उन्होंने कि असलियत क्या है बेटा, तो मैं मुझे इस अधिकार ये बना दिया कि मैं आपकी सेवा करूँ। मैंने कुछ लेना देना नहीं है, मेरा कोई लेने देने का मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि मेरे सतगुरु की वाणी तुम्हें समझ लग जाए, तुम्हारा जीवन बदल जाए,
तुम्हें ये जीवन में भी सुख मिले और आगे भी तुम्हें सुख मिले, तुम फ्री हो जाओ इस जन्म मरण के चक्कर से। लेकिन होगे कब? जब कर्म को संभालोगे, जब कर्म की सीमा से ऊपर उठ जाओगे। कर्म केवल इसलिए करो करो कि किसी का भला हो जाए, किसी भूखे को रोटी मिल जाए, किसी प्यासे को पानी मिल जाए, आपकी जरूरतें पूरी होती रहे। कोई ज़्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सब काम अपने आप होते जाएंगे। जब सतगुरु हुए दयाल तो फिर क्या चीज़ की कमी, कोई नहीं रहती कमी। मेरी बात आप समझ गए, आगे बढ़ो। पंडित धारी भेद सेठ सब, पंडित धारी भेद सेठ सब, अटक रहे जग जग में। उन्होंने सब खंडन कर दिया। क्या पंडित, पंडित कौन होता? विद्वान, जो किताबों का ज्ञान बताता है, वहाँ ये लिखा है, वहाँ ये लिखा है, उसने ये कहा, वो पंडित है। पंडित काजी जो मुसलमानों के काजी होते हैं, वो भी कुरान की आयतें बताते हैं, कुरान में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है। और भेखधारी जिन्होंने कपड़े बदले हुए हैं, या जटा जूट हुए हुए हैं, ये क्या है? ये सभी तुम्हें काहे में फुसाएंगे, खब की जूनी में, जानवरों की जूनी में, जैसे वो हैं वैसे तुम्हें बनाएंगे। क्या कहा मैंने? ये तुम्हें अटकाते हैं रास्ते में, हवाला देते हैं किताबों का, अपना हवाला नहीं देते कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या पाया। मेरे सतगुरु बाबा की ने कभी किसी को कोट नहीं किया, अपने जीवन का अनुभव बताया कि मैंने 1905 से लेकर अब तक क्या देखा, गुरु की आज्ञा का पालन करके मुझे क्या मिला, वो मैं बताया है। तो मानो ना मानो, आना आओ, नहीं आना ना आओ, मैं किसी को बुलाता नहीं, ऐसा कहते थे। मेरी बात समझे कि नहीं? निर्लेप संत बिल्कुल, कोई कोई किसी तरह का ख्याल नहीं था उनको। मेरी बात समझ गए? तो खंडन कर दिया सबका। किसके पास जाओगे? कौन सा पंडित है जो तुम्हें वो रास्ता बताएगा? कौन सा शेख है? सभी कहते हैं कि वहाँ जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कोई कहता है मक्का जाओ, तुम्हारे जन्म से अल्लाह तुम्हारे बख्श कर देगा। और उधर जीसस क्राइस्ट वाले कहते हैं जीसस क्राइस्ट को मानो, वो तुम्हारे सारे पाप ले लेगा। ऐसे ऐसी बातें करते सर। राधा स्वामियों ने ठेका लिया कि राधा स्वामी आओ आप पार हो जाओगे। क्या कहूँ, निरंकर ही अपना डंका बजा रहे हैं। यहाँ पता लगता है कि मेरे देश में कितनी दुकानें हैं, सब अपने अपना बेच रहे हैं और अपना अपना कारोबार चला रहे हैं। तुम्हें कोई असलियत नहीं बताने वाला। मेरी बात समझे? ये एक स्थान है जहाँ मानवता का झंडा लहरा रहा है, जहाँ साफ बात की जाती है। साफ बात क्या है? ऐ इंसान, जो कुछ है तेरे अपने अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कह दिया, खंडन कर दिया कि पंडित काजी शेख भेख सब तुम्हें अटकाने, रास्ते में तुम्हें अटका रहे। आगे चलो। इनके संग पिया नहीं मिलेगा, इनके संग पिया नहीं मिलेगा, पिया मिले कोई साध समाज में। इनके पास पिया नहीं है, इनके पास मतलब है, कहाँ मिलेगा पिया? साधु समाज में, जहाँ संत समग्र कर संत बैठे हैं, जहाँ महापुरुष बैठे हैं, जो वहाँ वहाँ की रहनी में रहते हैं, वहाँ मिलेगा पिया। वो रास्ता बताएंगे कि ऐ इंसान मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो बताएंगे आपको, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ दाता दयाल जी महाराज। मैं न काशी, मैं न मथुरा, ना मैं गिर कैलाश हूँ, तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया। मैं तो तेरे मन की सच्ची आस और विश्वास दाता दयाल जी महाराज, ऐसे कबीर साहब ने भी कहा। तो इसलिए संतों के पास जाने से कल्याण होगा, वैसे कल्याण नहीं होने वाला, ये कहा है। संत मत में तीन चीज़ें बड़ी जरूरी हैं। पहली सत्संग, सतनाम और सतगुरु, तीन चीज़ें। सतगुरु होना चाहिए, उनका वचन होना चाहिए साथ, और फिर आपको सतनाम मिलना चाहिए। सतगुरु तीन चीज़ें, उसके बाद फिर तीन चीज़ें तुम्हें करनी है।
जो तुम्हें करनी है वो क्या है? सिमरन उस नाम का जो गुरु ने तुम्हें दिया, ध्यान उस गुरु का जिससे तुम जिनके साथ तुम्हारा प्यार है, या तुम्हारा इष्ट है जिसको तुम मानते हो कि यही मार्ग के कुल है, ध्यान और फिर भजन। फिर भजन क्या है? उस शब्द की धुन तुम्हारे अपने अंदर है, फिर उसको सुनना। बस उसके सुनने से सारे कष्ट क्लेश सब खत्म हो जाते हैं और तुम्हें असलियत का पता लग जाता है। तुम इतने हल्के हो जाते हो कि जिन जमीन की कशिश तुम्हें खेचे भी नहीं। आगे चलो। या तो भूले दिसे पास में, या तो भूले बात कर रहे हैं। विषय किनके बात कर रहे हैं? जो पंडित की, काशी की, शेख की, जो साधु बने हुए हैं, उनको तो अपना स्वार्थ, उनको तो अपना स्वार्थ है, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने अपने केंद्र बनाए हुए हैं। बात समझ गए? तो वो कहते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए जो कर रहे तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं कर रहे, उनको तो तुम्हारे से स्वार्थ है, आ जाओ दे जाओ और तुम्हें प्यार दे देंगे, प्रसाद दे देंगे, काम तुम्हारे विश्वास नहीं करना है। इसलिए संतों ने सब कर्म कांडों का खंडन कर दिया, पूरी तरह से खंडन करना। ये खंडन करने के योग्य है, ये बंधन है, ये पूजा, ये पाठ, ये तीर्थ, ये व्रत, ये क्या है? ये बंधन है। तुम्हारा मन उनमें लग जाता है, जहाँ मन लगा है वो बंधन है। मन को तो हटाना है वहाँ से, उस बंधन को तो काटना है और उस मन को ऐसी जगह ले जाना जहाँ मन ही नहीं है, जहाँ मन है ही नहीं। मन कहाँ है बताओ? जब तुम सो जाते हो कहाँ होता है मन आपका? कब होता है मन बताइए? मन तो है ही नहीं, तो वहाँ भी मन नहीं है। मन तो जागृत में तुम्हारे साथ है, मन तो तुम्हें नाचने जा रहा है। कभी आँख में आ जाता है तो कभी कान में आ जाता है, कभी रसना में आ जाता है, कभी हाथ में आ जाता है। और ये इसकी अपनी ताकत कोई नहीं है, इसके साथ हस्ती इसने ली हुई है, हमारी सुरत की हस्ती काम कर रही है। हमारी सुरत नहीं है तो आँख कुछ नहीं देख सकती, हमें सुरत नहीं है तो हमारे कान कुछ भी नहीं सुन सकता, हमारी सुरत नहीं है तो मैं बोल भी नहीं सकता, मेरी सुरत नहीं है तो मैं हाथ भी नहीं हिला सकता। क्या कहा मैंने? ये सारा खेल तो सुरत का है, उस हस्ती का है जो माल के कुल की अंश है, लेकिन हम उसको नहीं पहचानते। हम मन के अधीन रहकर न जाने क्या क्या पापड़ बेलते हैं और अपने आप को इस झंझट में डालकर सदा के लिए क्या कभी बाहर निकलने का स्वप्न नहीं ले सकते। इसलिए संत आते हैं, वो हमें जगाते हैं, आकर झंडा लहराते हैं मानवता का, ऐ इंसान तू जा, पहले इंसान बन फिर देखते रह तू क्या मिलता है। आगे चल। बिना संत कोई भेद न पावे, बिना संत कोई भेद न पावे, वह कोई कहे अलग में। अब स्वामी जी महाराज ने एक बात कह दी जो कि परमदयाल जी महाराज ने इसको नहीं माना। वो कहते हैं संत को भेद का पता है लेकिन वो तुम्हें बताते नहीं, अलग में बताते हैं, अकेले में बताते हैं। जैसे कबीर साहब ने धर्मदास को बता कर कह दिया कि धर्मदास तो है लाख दुहाई, सार भेद बाहर ना जाए। ये कबीर साहब ने बताने के बाद कह दिया, देखना जो किसी को बताना नहीं। या स्वामी जी महाराज ने ताला लगा दिया कि वो तुम्हें अलग में बात करेंगे। बाबा फकीर ने कहा आओ मैं अलग में कुछ नहीं कहता, मैं जहाँ दावे से कहता हूँ कि कोई गुरु, कोई देवी, कोई देवता तुम्हारे अंदर नहीं आता। तुम्हारा अपना ही मन है, तुम्हारी अपनी ही श्रद्धा है, तुम्हारा अपना ही प्यार प्रेम है जो तुम्हारे अंदर ये सारे दृश्य पैदा करता है। इसलिए उन्होंने जो पर्दा ही हटा दिया, पर्दा ही हटा दिया कि ऐ इंसान तू इन अंदर के दृश्य में जब तक रहेगा तू वहाँ नहीं जा सकता, ये तेरे मन का खेल है। ये बात उन्होंने बार बार कही है, बार बार कही है, ताकि ये सब मेरे जैसे बच्चों को पक्का हो जाए। मुझे पक्का विश्वास हो गया सबक ये कि जो कुछ भी मेरे अंदर था वो है नहीं, वो सारा मन का खेल है।
ख्याल विचार दृश्य गुरु का दर्शन या और कोई चीज वो है नहीं, वो मेरे मन ने बनाया और वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है काल और माया में। उसका दृश्य मेरे दाता ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि गो बियॉन्ड दी लिमिट्स ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, तीनों से परे जाओ बच्चा, वहाँ तुम्हारा अपना स्वरूप है। इसलिए संतों ने बाबा फकीर ने इस पर्दे को बिल्कुल उठा दिया कि ये सब पखंड है, झूठ है, कोई संत कोई गुरु किसी चेले को मरते समय लेने नहीं जाता, कोई संत किसी के ऊपर जाकर प्रकट नहीं होता, ऐ इंसान तेरा अपना ही विश्वास उसको पैदा करता है, तेरी अपनी श्रद्धा पास करती है और हम उसके बगाने में उसका नजायज फायदा उठा लेते हैं। इसलिए दादा ने प्रवाह नहीं की, इस पर्दे को बिल्कुल उठा दिया। जो कभी जो स्वामी जी ने ताला लगाया था उस ताले को खोल दिया। आगे चलो। जब रज संत मिले नहीं तुमको, जब रज संत मिले नहीं तुमको, खाए ठकोरी इले तू ठग में खो गई, दिया को निज घट में। आगे चलो। राधा स्वामी शरणित हो को, राधा स्वामी शरणित हो को, रव ज्योति जग मग में खो गई, पिया को निज घट में। आज फैसला कर दिया कि कहां जाओ, राधा स्वामी की शरण में जाओ। राधा क्या है? राधा आद सुरत का नाम, स्वामी आद शब्द पहचान। वहां जहां शब्द होता है उस शब्द को ये कान नहीं सुन सकते। मैं एक बात और कह देता हूं, दुनिया की बातें स्थूल रूप में होने वाली बातें ये कान सुनते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं खुद भी सुन रहा हूं, तुम भी सुन रहे हो, ये कान मेरे भी, मैं भी सुन रहा हूँ, तुम भी सुन रहे हो, ये स्थूल कान काम कर रहे हैं। फिर स्वप्न आता है, स्वप्न में भी तुम सुनते हो, कुछ सुनते हो ना, वहां भी कान हैं तुम्हारे, तुम्हारे मन के भी कान हैं, तुम्हारा मन का मुंह भी है, खाते भी हो तुम देखते भी हो, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां पूरी हैं, तुम्हारी कर्म इंद्रियां भी वहां हैं। स्वप्न में चलते भी हो, नहीं चलते, खाते भी हो, सुनते भी हो, गाते भी हो, न जाने क्या क्या करते हो। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसके कान भी हैं, उसके इंद्रियां सारी हैं, तो वो सुनता भी है। वो कौन सी बात सुनता है? जो मन की सीमा में है, मन की सीमा से आगे नहीं। यहाँ बाहर में जो शरीर की सीमा में वो हम सुनते हैं, जैसे इस कमरे में बोलने से सुना जाएगा, ओ बाहर से कोई बोलेगा नहीं सुना जाएगा, ऐसे ही मन की सीमा अंदर है तुम्हारे, तुम ही सुनते हो, दूसरा कोई नहीं सुनता, बात समझ रहे? ऐसे फिर आत्मा की भी कान है, आत्मा की भी आंख है। क्या कह रहा हूँ मैं आपको, कहाँ विश्वास आएगा, क्योंकि मेरा अनुभव हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आत्मा की भी आंख है, आत्मा का भी कान है। जो वहाँ शब्द होता है, बीना बजती है, वो कान सुनते हैं और आंख प्रकाश को देखती है, वहाँ भी है। और इससे आगे चलो, वहाँ सुरत का स्थान है, वहाँ सुरत क्या सुनती है? शब्द को सुनती है। वो शब्द आकाश से आता है, यहाँ से दूर से आता है, वो सुरत सुनती है और सुरत फिर देखती भी है प्रकाश को। वहाँ केवल प्रकाश है और शब्द है, दूसरी तीसरी कोई चीज है नहीं। अब उस प्रकाश को देखने वाली कौन है? तुम्हारी अपनी वो सुरत, तुम्हारा अपना वो पिया, तुम्हारा अपना वो मालिक तुम्हारे अंदर है, जो प्रकाश को देखता है और जो शब्द को सुनता है। वो चौथा पद है, उसको बोलते हैं चौथा पद, तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत नाम सत गुरु गति चिन्ह, ऐसा संतों ने कहा है। और फिर पंड्या जी महाराज ने फरमाया कि मैं पांचवें पद में रहने वाला हूँ। आह,
मैं बड़ा सोचा 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 सोचते हुए पा पहुंच गया कि पांचवा पद कौन सा है जहां वो सुरत ना प्रकाश की परवाह करती है और ना शब्द की परवाह करती है, वो अपने आप में अपने आप हो जाती है, उसको कहते हैं असली, उसमें मिल जाना, उस चाहते हैं उस माल के कुल का अंग हो जाना, वहाँ जाकर दुनिया की किसी चीज़ की जरूरत नहीं रहती है। क्या कहा मैंने? तो क्या कहा, किसको खोजा, किसकी खोज की, क्या बाहर गए, किसी मूर्ति की पूजा की, कोई व्रत किया, कोई तीर्थ किया, वहाँ ये करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ क्योंकि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ऐ इंसान 33 कोटि देवी और देवता तेरे अपने अंदर है, ये शास्त्र कहते हैं 33 कोटि, कोटि का मुझे पता नहीं, करोड़ है कहते क्या है, सभी जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है तेरे अपने शरीर के अंदर है। जो ताकत इस ब्रह्मांड को चला रही है उस ताकत की एक अंश इस छोटे ब्रह्मांड में भी बैठी इसको चला रही है। इसलिए जब तक ये शरीर चलता है, ये मन काम करता है, ये शरीर में आपके अंदर कोई जज्बा है, तो आओ हम उस अपने पिया की खोज कर लें ताकि हमारा जन्म और मन का सिलसिला खत्म हो जाए। और जब तक ये शरीर चल रहा है आओ हम कुछ मानवता का भला कर सके, आओ हम भला ना कर सके तो मानवता के प्रति कोई अच्छी भावना रख सके। सर्वे विवंतु सुखना सर्वे संतु नरामया, नानक तेरे पाने सर्वत का भला, सबका भला मांग ले तो इसी में शायद हमारा भी भला हो जाएगा। तो आज मैंने बहुत ऊंची ऊंची बातें आपसे कर दी, आप जानो सुनो ना सुनो, चलो ना सुनो, तुम्हारी मौज, मैंने अपना कर्तव्य सच्चे दिल से कर दिया। आप सबको सुखी रहो, आप सबकी मनोकामना पूरी हो, मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी।